आपको हमारे इस स्टिंग से या मोंटाज से समझ में आ चुका होगा कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, उद्धव जीते, राज जीतकर भी हार गए, यानी कि ना तो वो किंग बन पाए ना ही वो किंग मेकर बन पाए, और जो हवा हुए हैं सपने वो हुए हैं दो लोगों के। जी हाँ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के और दूसरा शरद पवार के, जो कि एनसीपी के सुप्रीमो हैं। पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में ये कहें कि इन चुनाव के नतीजों पर क्यों नजर थी, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पूरे देश में जिस तरीके की हवा चली थी उसके बाद ये लग रहा था कि अगर कहीं पहला ऐसे टेस्ट, यानी उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के चुनावों के नतीजों के पहले अगर कोई नतीजा आएगा तो वो महाराष्ट्र का आएगा, मुंबई का आएगा, और मुंबई में शिवसेना और बीजेपी किस तरीके से करवट बदलते हैं इस पर सबकी निगाह होगी। जो कि नतीजे आ चुके हैं, अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बीएमसी में कैसे कौन सी पार्टी बैठी हुई नजर आएगी। हम आपको प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट अब नजर आएगा। पहले 16 साल से वैसे भी जो बीएमसी है उसमें शिवसेना का राज है। आप 107 बीएमसी प्लस, माफ करिए, शिवसेना प्लस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बीजेपी शामिल है, आरपीआई के भी दो लोग शामिल हैं। 227 सीटें हैं बीएमसी में, जिसमें जो मैजिक फिगर है वो 114 का है। कांग्रेस 67 पर है, 67 है कांग्रेस में जो शामिल लोग हैं, उनमें एनसीपी है और इसमें आरपीआई का एक गुट भी शामिल है। और बचे हुए लोगों में एमएनएस है 27 सीटों पर, ये भी काफ़ी बड़ा फिगर है जो कि अब विपक्ष में बैठा हुआ नजर आएगा, और बाकी के जो सीट हैं वो अन्य या निर्दलियों को जाते हैं। इनका भी एक बड़ा गुट है जिसमें से बहुत सारे लोग शिवसेना के भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस और एनसीपी के भी हैं। यह है बीएमसी की। और महाराष्ट्र में जो अगले विधानसभा चुनाव है उनके आने तक, यानी 2014 या बाकी के जो चुनाव है उन तक आने के तक शिवसेना राहत की सांस जरूर ले सकते हैं, क्योंकि मुंबई की लड़ाई में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर उसे घेरने की जबरदस्त कोशिश की थी, पहली बार साथ भी आए, लेकिन शिवसेना गठबंधन आखिरकार बाजी मार ले गया। कुछ नहीं, जाने तो छोड़ दो, बीएमसी के नतीजों से गदगद उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधियों पर अपनी जुबान कुछ यूं खोली। शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस एनसीपी के साथ आने के बावजूद शिवसेना बीजेपी बीएमसी की गद्दी पर अपना परचम लहराने में कामयाब रही। बीएमसी की 227 सीटों में शिवसेना को 77, बीजेपी को 29 और आरपीआई को एक सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 54, एनसीपी को 13 सीटें मिली, एमएनएस को 27 सीटें और अन्य के खाते में गई 26 सीटें। तमाम मुंबई के निवासी नागरिक और थाना के जो नागरिक है, लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे विरोधी मेरे सामने खड़े थे, लेकिन अगर ये मेरे शिवसैनिक और विरोधी पार्टियों के बाद भी मुंबई कर और थाना की जनता नहीं होगी तो आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन नहीं होता। हालांकि शिवसेना पर जीत के जश्न का खुमार जब उतरेगा तो उसे पता लगेगा कि मराठी किला उसने खो दिया है। दादर, परेल और वर्ली के मराठी बहुल इलाकों में एमएनएस ने उसे पटखनी देते हुए इन सीटों पर कब्जा कर लिया। शिवसेना की इस जीत ने उद्धव का भी कद बढ़ा दिया है। पहली बार पार्टी ने विकास के नाम पर वोट मांगा, उत्तर भारतीयों को उसने चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया, मराठी वोटों का बंटवारा हुआ, उसके बावजूद शिवसेना जीत गई। सबसे ज्यादा सीटें जीतकर शिवसेना बीजेपी ने साबित कर दिया है कि बीएमसी की सत्ता पर उन्हीं का राज होगा। लेकिन इस चुनाव से दो और बातें सामने आई है, एक कि राज ठाकरे की ताकत बढ़ी है तो दूसरी ओर कांग्रेस की ताकत कम हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन सुहास चौधरी के साथ हेतल गंगर, एनडीटीवी इंडिया। और बीएमसी के जो नतीजे हैं उनके बाद किस तरीके की मुंबई है उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिरीष पारकर साहब हैं, जो कि एमएनएस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। शिवसेना से हमारे पास है काफ़ी यंग नेता अभिजीत अड़सुल, और आमदार भी हैं यानी कि एमएलए भी हैं, और कांग्रेस से हैं बाबा सिद्दीकी साहब जो कि प्रियादत्त के इलाके से हैं। और आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो सुर निकाले गए थे कांग्रेस की तरफ से विरोध के, वो इन्हीं के इलाके से आए थे। सबसे पहले हम एमएनएस के पास चलना चाहेंगे। शिरीष पारकर साहब, आपको अगर वो बयान याद हो राज ठाकरे साहब का, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि आप 7 सीटों से 27 या 30 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जो बड़ी बात है कि ना तो आप किंग हैं ना ही किंग मेकर हैं। नहीं, लेकिन अपने आप में मतलब एक महाशक्ति के रूप में राज ठाकरे और उनकी पार्टी, हमारी पार्टी उभर के आई है। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, ये जरूर कहना चाहेंगे कि 10 बार अगर 2 नंबर के सीटों का बंटवारा ले, अगर आप आंकड़े ले ले तो कई जगह पे बहुत छोटे मार्जिन से हमारे कैंडिडेट हार चुके हैं। लेकिन राजनीति में चलता रहता है, डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सारी चीज़ चलती रहती है।
फिर भी इसके आगे हमारे सामने एक ही एजेंडा है कि मुंबई के लिए जमकर काम करेंगे, इश्यूओं को उठाएंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे। जी शीश पारकर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बात करूंगा वो इश्यूज की जो लगातार उठते रहे, लेकिन बाबा सिद्दीकी के पास चलना चाहेंगे। कांग्रेस ने सब कुछ किया, कांग्रेस ने कहा कि जो शिवसेना है वो तमाम लोग तरीके की राजनीति करती है, लेकिन इस बार उसने विकास की राजनीति की, उसने सारे विज्ञापन विकास के इर्द गिर्द किए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उन्हें नहीं हरा पाए। वो तो खुल के आया है कि हम नहीं हरा पाए, और वो हमको स्वीकार भी करना चाहिए कि कांग्रेस के मुंबई करों ने जो मतदान किया और उसको स्वीकार भी करना चाहिए, मगर इसका विश्लेषण इसके बारे में आज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मगर सही मानों में बहुत सी ऐसी विषय हो सकता है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जैसे यादी को लेके बहुत बड़ा विषय था, लो टर्नआउट हुआ वो बहुत बड़ा विषय था, हर पार्टी में रेबेल हुआ, ये नहीं कि हमारी पार्टी में हुआ तो हर पार्टी में हुआ, और जो कॉरपोरेशन के मुद्दे होते हैं वो जी, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब जो जी जी जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के एंड पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो प्रिया दत्त हैं, सांसद हैं, उनका विरोध आया। एक छोटी बात नहीं होती है कि मुंबई में ठीक चुनाव के पहले आपके सांसद खुद ही विरोध का ऐसा सुर लगा दें कि सभी लोगों को समझ में आ जाए कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। मैं नहीं समझता हूं उन्होंने अपना विरोध जताया, अपना मत कांग्रेस में रखना जम्हूरियत है और ये विरोध नहीं था। मैं समझता हूँ अपना मत रखना हर आदमी को उसका इख्तियार होता है, और कई जगह पे अगर हम हारे हैं तो हमको ये चिंता का विषय जरूर है, हमको इसके बारे में सोचना होगा कि कहाँ हम कम पड़े। अब जिस तरह आप मेरे क्षेत्र को लो तो हमारी 2 सीट थी बांद्रा वेस्ट में, आज 2 की 4 हो गई, तो मैं समझता हूँ मतदाताओं ने लोकल लेवल पे जिन लोगों ने अच्छा मतलब एक तरह का जिनके समस्याओं का समाधान हुआ है वहाँ वोट जरूर मिले हैं, और बदकिस्मती से या कहो कि जिनको मिला है उनको हमको स्वीकार करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। और आज ये मैं ही समझता हूँ सही वक्त नहीं है कि मैं आपको कहूं कि हम क्यों हारे नहीं हारे, जो मतदान हुआ है इन डेमोक्रेसी वी हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.